हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएफ एनएसडी कांस्टेबल भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी लोगों के कमेंट्स जब बढ़ जाते हैं तो हमें उनका आंसर देने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना के माध्यम से आपको इसके सारे आंसर्स आपको दे दें, और आपके जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी को आंसर देना बहुत ज़रूरी था, तो हमने इसलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आपके क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हैं वो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए स्मार्ट न्यू चैनल सबसे बेहतर चैनल में से एक है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया अपडेट आता है, नया नोटिफिकेशन आता है या कोई नया सरकारी रिजल्ट आता है, तो हम पूरा उसका जो है नोटिफिकेशन के वीडियो जो है अपने स्मार्ट न्यू चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पर आपको देते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं स्टडी में, और साथ ही आपको हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको करना होता है स्मार्ट न्यू चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना होगा हमें मैसेज या मेल के थ्रू, आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिएगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देना करते हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दोस्तों, आपका जो है पहला क्वेश्चन जो ये था कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी या मेडिकल होगा, यानी दो क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट मेडिकल लिस्ट आया होगा पहले मेडिकल, या फिर पहले मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, दोनों का ही आंसर देखिए यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मेडिकल तो आपका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मेडिकल टेस्ट नहीं होता, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब हो, चाहे अगर आप प्राइवेट भी करते हैं तो इवन उसमें भी आजकल जो है लोग अपना फिजिकल टेस्ट आपका मांगते हैं कि आपका जो है फिटनेस टेस्ट हमें दीजिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कि मेडिकल टेस्ट होगा, यानी काफ़ी लोग ने ये क्वेश्चन कहा था, तो दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल टेस्ट के बिना कोई भी भर्ती ली ही नहीं जाती। इवन अगर आप अप्रेंटिस जो करने जाते हैं आप, उसके लिए भी अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर उसके लिए भी DV आप करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट मांगा जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी कि पहले मेडिकल टेस्ट होगा। ऑब्वियसली दोस्तों, पहले मेडिकल टेस्ट होगा तो एक लिस्ट जारी होगी, बट हम उसे फाइनल लिस्ट नहीं कहेंगे। यानी कि आपकी लिस्ट तो आएगी, लेकिन काफ़ी लोगों का क्वेश्चन में क्या था कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी, तो ये मेरिट लिस्ट तो फर्स्ट है दोस्तों, ये सच है कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन मेरिट लिस्ट आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी जिसके बेस पे आप सभी को नौकरी दे दिया जाएगा। जी नहीं, ये लिस्ट होगी जिसे हम टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं, प्रोविजनली लिस्ट कहते हैं। तो ये प्रोविजनली होगा कि आपको जो लिस्ट जारी होगा इनमें से सभी बच्चों का जो है मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो है फाइनल लिस्ट जारी की जाती है दोस्तों। क्योंकि बिना मेडिकल के हम किसी को भी जो है फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए जो है भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते, इसलिए पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ही लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेंटिविटी रहेगा कि आप जो है मेडिकल के लिए बैठ सकते हैं, और उसके बाद जो मेडिकल में पास होता है उसके बाद का जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आते हैं, जिसमें जितने भी बच्चों का नाम सेलेक्ट होगा उनको सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ का आंसर आपको मिल गया। और भी कुछ अगर क्वेश्चन है आपके, और भी डाउट्स हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम इसी प्रकार आपके आंसर्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।